चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। चार माँ जी, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार, आपकी गोड पिट गई। हटाएं माँ जी से, हटाएं। बदतमीज, बेगैरत, बेहया, तुझे पाल पोस के मैंने इस दिन के लिए जवान किया था कि तू बड़ा होके अपनी माँ की गोटे पीटे। चल मैंने नहीं पिटवानी, दफा हो इधर से। ओ माँ जी, ये चीटिंग है यार। मोहब्बत और कैरम में सब जायज है। लूडो? हाँ, मोहब्बत और कैरम में सब लूडो है। नबील, तुम ये क्या कर रहे हो? ओ जानू, लूडो खेल रहा, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? गॉड, अब तुमने अपने नया काम ढूंढ लिया? जानू, तुम्हें तो पता है मैं काम करने वाला आदमी हूँ। काम के बगैर मैं बैठ ही नहीं सकता घर में महमूद साहब की तरह। महमूद साहब तुमसे बहुत बेहतर है नबील, कम से कम वो घर के काम तो कर लेते हैं। हाँ पुत्र, अभी अभी वो सौदा लेने गए हैं बच्चू। यार माँ जी, वैसे उन्हें गए हुए काफी टाइम हो गया है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। और पुत्र, उन्हें फोन कर। महमूद साहब, आपके साइकिल में हवा भरने क्या हुआ है आपको? अरे मुझे कुत्ते ने काट लिया। क्या क्या हुआ है कुत्ते को? ओ माँ जी, कुत्ते ने महमूद साहब को काटा है। महमूद साहब ने कुत्ते को नहीं काटा, जो कुत्ते की खैरियत पूछ रही हैं आप। हाय, आपको कुत्ते ने कैसे काट लिया काशफ? महमूद साहब, हमारी गली में तो किसी के पास कुत्ता भी नहीं है। अरे मुझे सड़क पे किसी पागल कुत्ते ने काट लिया। महमूद साहब, ये भी तो हो सकता है वो कुत्ता आपको काट कर फिर पागल हुआ हो। अरे मेरी तकलीफ से जान जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? नबील, ये मजाक की बात नहीं है, महमूद साहब की जान जा सकती है यार। नहीं महमूद साहब, आप फौरन हॉस्पिटल चले, आपको इंजेक्शन लगेंगे अब। वो भी घोड़े वाले? घोड़े वाले क्यों पुत्र, उनको तो कुत्ते ने काटा है ना। वो इंजेक्शन महमूद साहब के मुंह के मुताबिक लगेंगे ना माँ जी। नहीं, मैं घोड़े वाले इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। नबील यार, महमूद साहब को हॉस्पिटल लेके चलो, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। महमूद साहब की जो बिगड़ती जा रही है वो तबीयत है। हाँ। चले माँ जी, चले माँ जी। और मेरे मियाँ को लेके जाओ। हाँ हाँ, उन्हें लेके चलते हैं। चले चले चले। यार महमूद साहब, यार एक जगह बैठ जाए, थका रहे हैं हमें यार। मैं बैठ नहीं सकता, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। अरे पुत्र, मुझसे अपने मियाँ की वो नहीं देखी जा रही, कुछ कर। ओ माँ जी, मैं क्या करूँ, मैं को डॉक्टर थोड़ा हूँ। नबील, अगर महमूद साहब हॉस्पिटल नहीं जा रहे तो हम डॉक्टर को बुला लेते हैं घर पे। हाँ ये ठीक है। नबील, एक काम करो, वो जो डॉक्टर माजी के इलाज के लिए नहीं आया था उसे बुला लो। ओ जानू, वो जानवरों का डॉक्टर नहीं है? तो हमने उसे महमूद साहब का इलाज कराना है ना, कुत्ते का तो नहीं। हाँ हाँ पुत्र, ये ठीक है, फोन बुलाओ उसको। जल्दी करो। तुमने नंबर डायल किया और डोरबेल बज गई। पुत्र, दरवाजे का नंबर तो नहीं मिला लिया तूने? ओ माँ जी, दरवाजे पे कोई आया है, मैं देखता हूँ, डोरबेल बजी है। ये बचाओ। डिंग डिंग, मैं आ गया। अरे डॉक्टर साहब, आप आ गए, मैंने तो अभी आपको फोन नहीं मिलाया था। भाई यही तो कमाल है मेरा, मैं पूरे शहर का वाइस डॉक्टर हूँ जो इतनी क्विक सर्विस देता है, फोन मिलाने से पहले लोगों का घर पहुँच जाता है। अरे भाई, मैं तो ऑपरेशन भी 10 मिनट में कर देता हूँ, आपको तो पता ही है ना। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन एक इमरजेंसी हो गई है। भाई मेरे साथ भी एक इमरजेंसी हो गई है, असल में हुआ ये कि। ओ यार डॉक्टर साहब, आप अपनी इमरजेंसी छोड़े यार, पहले हमारी सुन लें। अच्छा अच्छा, चलो बताओ, आप बताओ। अरे अंदर आकर देखे महमूद साहब को क्या हो गया है। अच्छा अच्छा, चलो चलो आइए डॉक्टर साहब, आइए। अरे महमूद साहब, क्या हो गया भाई? डॉक्टर साहब, महमूद साहब को ना कुत्ते ने काट लिया है। कुत्ता तो खैर से है ना। अब उससे क्या होना है, काटा तो महमूद साहब को है। अच्छा ये बताइए, कहाँ काटा है? सड़क पे। ओहो भाई, मैं ही पूछ रहा हूँ, महमूद साहब के कहाँ काटा है? पैर पे। फिर तो भाई तकलीफ हो रही होगी, अब क्या करें? डॉक्टर साहब, महमूद साहब इंजेक्शन लगने से बहुत डरते हैं। अरे भाई, तो डरने की क्या जरूरत है, इंजेक्शन तो पागल कुत्ते के काटने पे लगता है। अरे तो वो कुत्ता पागल ही तो था। भाई आपको कैसे पता कि कुत्ता पागल ही था? अच्छा ये बताइए, क्या वो बहकी बहकी बातें कर रहा था या उसके मुँह से लाल टपक रही थी? कैसी बातें कर रहे हैं मंसूर?
यार डॉक्टर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं यार? भाई देखे, सबसे पहले मुझे चेकअप करना पड़ेगा। महमूद साहब का? नहीं भाई, कुत्ते का। What? हाँ भाई, देखना पड़ेगा ना कि कुत्ता पागल था भी कि नहीं। भाई अगर कुत्ता पागल नहीं हुआ और मैंने महमूद साहब को पागल कुत्ते वाला इंजेक्शन लगा दिया, फिर तो ये पागल हो जाएंगे। ये तुम लोग मेरे साथ कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो? डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चलेगा कि कुत्ता पागल था भी कि नहीं? आप मुझ पर छोड़ दें कुत्ता। नहीं, ये बात आप मुझ पर छोड़ दें। मैं कुत्ते का दिमागी चेकअप करूंगा, कुत्ते से कोई नफ्सियाती सवाल करूंगा। मुझे तो तुम खुद नफ्सियाती लग रहे। नहीं भाई, मैं तो पहले नफ्सियाती था, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, असल में मुझे भी बचपन में कुत्ते ने काट लिया था। ओ यार, आप ये समझे कि कुत्ता पागल था, महमूद साहब का इलाज करें। हाँ, ये हुई ना बात। अब आपने मुझे क्लियर सिचुएशन बताई, अब देखिए मैं क्या करता हूँ। वैसे मैं करूंगा क्या? डॉक्टर साहब, पागल कुत्ते के काटने पर पेट में 12 इंजेक्शन लगते हैं, वो लगा दें प्लीज। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे पास में इस वक्त सिर्फ ये 2 इंजेक्शन, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। डॉक्टर साहब, आप एक काम करें, इसमें ना 12 इंजेक्शन बल्कि 13 इंजेक्शन डाल के महमूद साहब को ठोक दें यार। मैंने कुल आइडिया, चले हाथ पकड़े। छोड़ दो मुझे। अरे भाई, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे हाथ पकड़े ना। आपके हाथ क्यों? असल में इंजेक्शन लगाते वक्त मेरे हाथ काटते हैं। हाँ तो पहले अपने इंजेक्शन लगवा ताकत के। असल में आप लोगों को पता नहीं है, मेरे साथ बहुत बड़ी टेंशन हो गई है, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। भाई तू अपनी प्रॉब्लम बाद में बताना, पहले हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर यार। तो भाई जल्दी से पकड़े ना। अरे भाई, मुझे नहीं, महमूद साहब को पकड़े ना। अच्छा, डॉक्टर साहब, ये महमूद साहब को हो क्या गया है? नहीं, डॉक्टर ये मत कहना कि तुम मेरे महमूद को बचा नहीं सके। डॉक्टर, डॉक्टर कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि ये झूठ है। बोलो, ये झूठ है, झूठ है। अरे हाँ भाई, हाँ ये झूठ है, मैंने महमूद साहब को बचा लिया है। नहीं हाँ भाई, अब ये बिल्कुल ठीक है, सो रहे, थोड़ी देर में उठ जाएंगे। थैंक गॉड। भाई अब तो आप लोगों की परेशानी दूर हो गई ना। मांगी आंटी। चलो तो फिर अब मेरी परेशानी सुन ले। तू सुना ले भाई, सुना। भाई एक लंबी कहानी है, यहाँ भी सुनाऊंगा, लॉन में चल के चाय भी पियेंगे, वहाँ पे कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? तो भाई मैं आपको बता रहा था, लॉन्ग लॉन्ग अगो, वंस अपॉन अ टाइम, एक हसीन खूबसूरत नौजवान डॉक्टर था। वो एक बहुत बड़े शहर के एक छोटे से इलाके में एक छोटी सी डिस्पेंसरी चलाया करता था। ओ बस कर दे डॉक्टर, सीन लंबा ना कर, जल्दी से बता। असल में बात यह है कि पुलिस ने छापा मार के डिस्पेंसरी बंद करा दी है। हाँ? डॉक्टर साहब, वो क्यों, ऐसा क्या कर दिया आपने? अरे कुछ नहीं भाई, मैं तो अपने वो रूटीन का काम कर रहा था। फिर क्यों पुलिस ने आपकी डिस्पेंसरी बंद कर दी? वो बस 3-4 बंदे मर गए थे मुझसे बस खाली। आपने 3-4 बंदे ही मार दिए? नहीं नहीं भाई, वो तो मुझ पे इल्जाम है कि मैंने इंजेक्शन लगा के 3-4 बंदे मार दिए। असल में ये यहूदियों की साजिश है, साजिश। ये तो आप कह रहे हैं ना। ये सच है भाई, अगर वो इंजेक्शन गलत होता और उससे 3-4 बंदे मरे होते तो वो इंजेक्शन मैंने महमूद साहब को लगाया, वो तो नहीं मरे ना। क्या? हाँ हाँ, बोलो 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 ना, जवाब दो, हार मान ली ना। ओ चुप है माँ जी। उठो महमूद साहब, महमूद साहब चले जाए ना, महमूद साहब। अरे शोर क्यों कर रहे हो यार, तुम लोग आराम से सुकून से सोने भी नहीं देते इंसान को। अरे आप जिंदा हैं? हाँ। देख लिया आप लोगों ने मैंने कैसा इलाज किया इनका। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब देखिए ना, मेरे जैसे काबिल डॉक्टर के डिस्पेंसरी बंद करा दी जालिमों ने। तो डॉक्टर साहब, अब आप क्या करेंगे? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो कोई और काम आता भी नहीं है ना। अरे तुझे ये काम कौन सा आता है जो तू कर रहा है? क्यों भाई, अभी आपको ठीक नहीं किया मैंने? अरे 12 इंजेक्शन तू किसी मुर्दे को लगाता ना तो वो भी उठ के बैठ जाता। देखा, यही तो कमाल है मेरा, अल्लाह पाक ने मेरे हाथ में कितने शिफा रखी है। भाई डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि हमसे क्या चाहते हैं आप? भाई अब मैं हो गया हूँ तुम लोगों की तरह फारिग, और अब मुझे तुम लोगों की तकलीफ का एहसास हुआ है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम सब फारिग लोग मिलके कोई फारिग सा काम शुरू कर ले। हाँ भाई, एक फारिग काम तो आप लोग यहाँ कर ही रहे बुलबुले, तो क्यों ना दूसरा काम इस घर में हम अस्पताल खोल सकते हैं। अस्पताल? और यहाँ? हाँ हाँ भाई, अस्पताल में बड़ी कमाई होती है। अरे अस्पताल खोलना कोई आसान काम है क्या?
डॉक्टर्स वॉक्टर्स कहाँ से लाएंगे? लो भाई कर लो बात। अरे भाई मैं हूँ ना डॉक्टर, मैं इलाज करूंगा और आप लोग कुछ भी कर लेना। मैं नर्स बनूंगी। हाँ ये ठीक है। डॉक्टर मैं तुम वार्ड बॉय बन जाना। और मेरा मियाँ? अरे भाई अस्पताल में एक मरीज तो होना चाहिए ना। और खूबसूरत क्या होगी भाई? खूबसूरत तो खूबसूरत होगी ना, इतने सारे बदसूरत लोगों में कोई तो खूबसूरत होना चाहिए ना भाई। लोग इन्हीं के चक्कर में तो आएंगे ना भाई। अस्पताल में अच्छा एनवायरनमेंट भी तो मिलना चाहिए। What? हाँ भाई, भाई लोग आपको देख के बीमार होंगे और हम लोग उनका इलाज करेंगे, कैसा? डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आप अपने दिमाग का इलाज कराएं। क्यों भाई? आपकी डिस्पेंसरी तो बंद हो गई है, अब आप चाहते हैं कि हम भी इस घर से निकल जाएं? वैसे खूबसूरत आइडिया बुरा नहीं है। हाँ जानू भाई, हर मरीज पे मैं आप लोगों को 50% कमीशन भी दूंगा। जानू मुझे लगता है अब ये आइडिया और भी अच्छा हो गया है। शट अप नबील, मैं इस दफा भी तुम लोगों के साथ नहीं हूँ। हाँ क्या दफा हो जा, तू तो चाहती नहीं है हम अपने पैरों पर खड़े हो। ये बताए कि अब हमें करना क्या होगा? अरे कुछ भी नहीं, बस अपना उलिया बदलना होगा, तब तक अस्पताल रेडी हो जाएगा। ये चीज मेरे अजीज। हाँ भाई सब तैयार है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। और वो हमारा मरीज कहाँ भाई? वेरी गुड। वैसे एक बात है, ये अस्पताल कैसे लग नहीं रहा है? ना तो तू कौन सा कहीं से डॉक्टर लग रहे हैं भाई। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मरीज को अस्पताल जैसी कोई फीलिंग आनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल घर घर जैसा माहौल लगना चाहिए ना। ओ यार डॉक्टर, मैं अभी वार्ड बॉय कहाँ लग रहा हूँ? नबील तुम वार्ड बॉय ही लग रहे हो। भाई आप लोगों ने घर के बाहर बुलबुल अस्पताल का बैनर लगा दिया ना। हाँ डॉक्टर, मैंने तो ये भी लिखवा दिया कि आप इंसानों जानवरों कीड़े मकौड़ों सबका इलाज करते हैं। वेरी गुड, अब आप देखिएगा कि यहाँ पे मरीजों की लाइनें लग जाएंगी, लाइनें। वैसे एक बात बताए, कितने मरीज आए अब तक? पूरा एक। पूरा एक? कोई बात नहीं भाई। भाई देखो ना, अभी हमने अस्पताल शुरू किया है और अभी मरीज भी आ गया। उसे बुलाओ डॉक्टर साहब अंदर। नहीं मैं नहीं, अभी नहीं बुलाओ, अभी उसको एक दो घंटा इंतजार करने दो, ताकि पता तो चले ना कि डॉक्टर साहब कितने मसरूफ है, बिजी है। वो जो आप कितने हैं वो बिजी है? हाँ भाई। अच्छा जी, माँ जी चले आए, उस वक्त तक हम लूडो खेलते हैं। हाँ चलो। वशे मैं जीत गया। मैं जीती हूँ, मेरी सारी कोटें बाकी हैं अभी। अरे भाई ये सब तो चलता रहेगा, चलो भाई मरीज को बुलाते, दो घंटे इंतजार के पूरे हो गए होंगे इनके। वशे वशे। चलो चलो नबील आवाज दो। महमूद साहब। अरे मुझे नहीं यार, बाहर जो मरीज बैठा है उसे आवाज दो। ओके। पहला मरीज हाजिर हो। अरे बाबा ये कौन थी और क्या बोल रही थी? कुछ नहीं, पागल थी। पागल 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 हाँ भाई, मैं पागलों का भी इलाज करता हूँ, इस पागल लड़की का इलाज उस कमरे में हो रहा है। बाबा हमारा भी इलाज उसी कमरे में करवा दो ना। अरे क्या कर रहे हो वार्ड बॉय, मरीज भाग जाएगा। मरीज आप एक काम करें, आप बाहर लॉन में चले, हम लोग वहाँ खुली फिजा में आपका चेकअप करेंगे, क्यों ना? अरे मोमो नर्स तुम हो? अच्छा आयशा वशे। आए मेमू साहब आप भी बाहर चले हमारे साथ। अरे भाई मैं मरीज हूँ, मैं बाहर जाके क्या करूँगा? आपको वहाँ ट्रिप लगानी है ना मरीज को। आप जो पूरी एक्टिंग करनी है ना, झूले पे लेट के कीजिएगा। चले उठे 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 साहब, ट्रिप उठाए ट्रिप उठाए। चले चले चले, आप भी चले आप भी चले। मरीज हूँ। आ
अरे मेरा नंबर कब आएगा डॉक्टर? अरे भाई जब लिखा होगा तब आ जाएगा ना। अरे वार्ड बॉय नबील, अरे तुमने मेरा नंबर नहीं लिखवाया था क्या? ओ पहले इसको मरने दे यार, उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा महमूद साहब। भाई ये क्या बकवास कर रहा है, किसको मरने दे? अरे मरने मतलब आपकी तकलीफ को मरने की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा बाबा, हम जरा दिल का कमजोर है ना, हमारे साथ ऐसी बातें ना करो। वैसे तकलीफ क्या आपको? बाबा हमारे पित्ते में पथरी है और हमारे सर में भी बहुत दर्द रहता है। हवलदार साहब, मुझे लगता है इसने बचपन में ना बहुत पत्थर खाए होंगे। क्यों भाई, तू किससे पत्थर खा के आया बचपन में? बाबा ये लोग क्या बकवास कर रहा है। एक मिनट, भाई आपके पित्ते उस समय दर्द है ना? हाँ बाबा हाँ। तो बस फिर घुटनों का ऑपरेशन होगा आपके। बाबा घुटने के ऑपरेशन से पित्ते का क्या ताल्लुक है यार? भाई बड़ा ही गहरा ताल्लुक है, आपको कैसे पता होगा? आप डॉक्टर तो नहीं है ना? डॉक्टर तो मैं हूँ, मैं बताऊंगा आपको। हाँ बाबा तो जल्दी से बताओ ना। भाई देखिए, आप बचपन में भागते हुए पत्थरों पे कभी गिरे तो होंगे? नहीं बाबा। अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, आप गिरे होंगे, आपको याद कैसे होगा? और घुसने का ताल्लुक होता है पित्ते के साथ, और यूं वो पत्थर बड़ा होकर आपके पित्ते में चला गया और आपको पथरी हो गई है बाबा। लेकिन आप घबराए मत, मैं तेज धार वाले से आपके घुसने पे चीरा लगाऊंगा, फिर आपका बहुत सारा खून निकलेगा। क्या? हाँ भाई, जब आपके घुसने सारा खून निकल जाएगा, फिर मैं आपके घुसने में हाथ डाल के पित्ता निकाल के खींच लूंगा और यूं आप बेहोश। ये तो पहले ही बेहोश हो गए। चलो भाई, चलो मरीज बेहोश हो गया, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू करो। चलो चलो चलो, इसके लिए क्रेन मंगवाए, उठवाना कहते हैं इसको। यार नबील, ये तुमने किस डॉक्टर को बुला लिया यार? अरे सारा एपिसोड खा गया, हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिल रहा। कहाँ पत्थर है? ओ माँ जी, हम में से कोई डॉक्टर नहीं था वरना हम ऑपरेशन कर लेते। यार नबील, ये ऑपरेशन कर तो रहा है लेकिन ये कहीं हमें मरवा ही ना दे। यार हमें मरवाए ना मरवाए, जिसके अंदर ये ऑपरेशन कर रहा ना उसे जरूर मारेगा। अरे बाबा हम बच गया, हमारा टाइम अच्छा चल रहा है। अरे आपका ऑपरेशन कामयाब हो गया? बाबा बड़ा कमाल का डॉक्टर है। अब एक काम करो, ये लो पूरा 25,000 रुपया, अभी हमें चलता है। अले अले मुझा अरे भाई मरीज कहाँ गया? अरे डॉक्टर साहब वो तो हमें पैसे दे के चला गया है? अरे वाह डॉक्टर साहब, आपने इतनी जल्दी उसको ऑपरेशन ही कर दिया। अरे मैं तो अभी ऑपरेशन शुरू भी नहीं किया था भाई। अरे भाई मैं उसे बेहोश करके वॉशरूम चला गया था, वहाँ मुझे 2 घंटे लग गए। अरे तू क्या अपने घर चला गया था? नहीं, कभी कभी ज्यादा टाइम लग जाता है ना। मैं जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया, मैं देखा मरीज था ही नहीं। ओ डॉक्टर साहब दफा करें यार, हमें तो पैसे मिल गए ना, वो भी पूरे 25,000। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, मेरे पैसे भी अलग कर दीजिएगा। आप फिकर ही ना करें। इधर लाएं। चलो बस ठीक है, नेक्स्ट मरीज बुलाओ। मैं लेके आता हूँ नेक्स्ट मरीज को, आप बैठे डॉक्टर साहब। कैसा लग रहा है? अरे नहीं नहीं, आपको मेरी पर्सनैलिटी से लग रहा होगा कि मैं कोई छोटा मोटा डॉक्टर हूँ। नहीं नहीं, मैं वार्ड बॉय। क्या? हाँ, मुझे आपको देख के लग रहा है कि आप बीमार हैं। हाँ। यकीनन आपको इश्क हो गया है। क्या? वो भी अभी अभी 10 सेकंड पहले जब मैंने दरवाजा खोला है ना। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मेरे दांत में बहुत ज्यादा दर्द है, वो असल में नेक्स्ट वीक मेरी शादी है ना, मैं चाहती हूँ मेरी शादी तक मेरे दांत बिल्कुल ठीक हो जाएं। अरे आपने कौन सा शादी की फौरन बाद अखरोट तोड़ने, जल्दी किस बात की? फजूल बातें मत करें और प्लीज मुझे डॉक्टर से मिलवा दें। जी जी जी, मुनासिब, आइए आइए आइए। डॉक्टर साहब देखें ये कौन आया। अरे शायस्ता तुम? शायस्ता? कौन शायस्ता? मेरा नाम अनम है। भाई देखो मैं तो मजाक कर रहा था, दे ताली। डॉक्टर साहब मेरे दांत में बहुत दर्द है। ओह हाँ भाई, फिर तो आप ताली भी नहीं मार सकती है? आप दांतों का इलाज तो कर लेते हैं ना? अरे दांतों का क्या, मैं तो आंतों, फेफड़ों, दिल, गुर्दा, कलेजी, हर चीज का इलाज कर लेता हूँ। हाँ भाई, दांत दिखाए आपने? आपने तो बिरयानी खाने के बाद ब्रश भी नहीं किया, आपके दांतों में तो बोतियां फंसी हुई बोतियां। यार डॉक्टर साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भाई इसे निकालना पड़ेगा। बोटी को? नहीं नहीं, वो जो इनके दांतों के बीच में छोटे छोटे एक्स्ट्रा दांत निकल रहे हैं ना, वो बड़े होके शरारती बच्चों की तरह तंग करेंगे, उनको निकालना पड़ेगा। आप दांत निकाल तो लेंगे ना? अरे क्या बात कर रही हैं आप, मैं तो सब कुछ निकाल लेता हूँ, मैं तो शेर के मुँह में हाथ डाल के हिरण का बच्चा भी निकाल लेता हूँ। हाँ मैं लोगों के मुंह से तो निवाला भी निकाल लेता हूँ, चलती बस में मुसाफिरों की जेब से नोट भी निकाल लेता हूँ। कैसा? आप यहाँ बैठे बैठे
दस मिनट में दर्द भगा दूंगा जल्दी अभी लगा दो चले भाई जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ले हाय पहले से एडवांस तो पकड़ ले डायरेक्टर साहब सीन करवा के भाग गई तो फिर है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई पहले आप एडवांस में 25,000 रुपए देंगी फिर मैं आपके दांतों का इलाज करूंगा अच्छा ठीक है देरी 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 है इधर ला अरे मोमो मेरे पास रखवा दो ना अरे भाई आप इधर उधर ना देखें आप बस अपनी प्यारी प्यारी आंखें बंद करें जल्दी से मुंह खोलें जल्दी से मुंह खोलें आपकी दर्द खत्म हुआ नहीं हाँ भाई अब दर्द खत्म हुआ नहीं 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 हुआ ओह माय गॉड काम तो बहुत बढ़ गया भाई अब तो खत्म हुआ ना उफ बड़ा लंबा काम था भाई ठीक हुआ हाँ अब ठीक हुआ अब आपको जिंदगी भर दांत का दर्द नहीं होगा हाँ भाई मैंने आपके इतने दांत जो निकाल दिए नहीं मेरे सारे दांत निकाल दिए अरे कोई बात नहीं दांतों का क्या है घर की कहती है फिर आ जाएंगे ओ यार डॉक्टर तू कैसी बातें कर रहा है वो दूध के दांत नहीं थे अरे हाँ भाई मुझे पता है वो दादी से लड़की गई थे अरे मेरी एक हफ्ते बाद शादी थी अब मुझसे कौन शादी करेगा अरे भाई आप रोए नहीं फिक्र ना करें मैं हूँ ना मैं आपसे कर लूंगा शादी अरे वाह डॉक्टर एक दिन में 50,000 कमा लिए अरे मामू साहब ये तो शुरुआत है आगे आगे देखिए होता है क्या हाँ भाई और उसके बाद हम शहर में सबसे बड़ा अस्पताल खोलेंगे और पूरे मुल्क में इसकी ब्रांच होंगे ओए अल्लाह का वास्ता फिर अपना इलाज करा लें वैसे ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं बकवास ना कर हम लोग तो इलाज कर रहे हैं लोगों का हाँ। जैसा इलाज कर रहे हैं ना आप लोग माँ जी बहुत जल्दी आप लोग जेल में होंगे हम जेल में होंगे जहाँ भी होंगे तुम्हें इसकी क्या फिक्र जाओ तुम अपना काम करो हमें हमारा काम करने दो प्लीज ये चीज़। मेरे अजीज अरे नबील लगता है एक और पेशेंट आ गया जाओ जाके देख आओ मैं अभी लेके आया जल्दी जाओ ये बाकी भी तो गिने ना पूरे डॉक्टर कहाँ है डॉक्टर साहब तो लॉन में है लेकिन उनसे मिलने के लिए पहले टाइम लेना पड़ता है अरे ऑटो आगे से ओए हेलो भाई हेलो हेलो ओ भाई रुक डॉक्टर साहब ये पेशेंट कह रहा है ये रुक नहीं सकता ओहो तो इसका मतलब है आप ज्यादा तकलीफ में भाई मैं आपको फौरन देखने के लिए ज्यादा पैसे लूंगा अच्छा अब ये बताइए आपको हुआ क्या है डॉक्टर मेरे सर पर खून सवार है ओ दिमागी मसला है आइए मैं आपका इलाज करता हूँ अबे इलाज तो तेरा मैं करूंगा क्या मतलब भाई साले मेरी होने वाली बीवी के सारे दांत निकाल लिए तूने क्या वो आपकी होने वाली बीवी थी हाँ और अब मैं तेरे दांत तोड़ने आया हूँ एक मिनट एक मिनट भाजन मैं आपकी सहूलत के लिए ना आपके लिए हथौड़ी लेकर आया बस रुक रुक, 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 रुक। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार